ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसड्यूसर चैप्टर में पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट टर्म पर हमने एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर के बारे में स्टडी किया था, जो कि डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के काम में आता है। तो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में हम देखते हैं कि पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारे फिजिकल वेरिएबल्स लाइक द फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस, जिनको भी हमें डायरेक्टली मेजर करने में प्रॉब्लम होती है, उनको मेजर करने के काम में आता है। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू द मेजरेबल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर ट्रांसड्यूसर किसी न किसी फिजिकल वेरिएबल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आता है, और आउटपुट में जो हमको मिलता है वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिलता है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज है वो हमारी एनालॉग पैरामीटर है, हम उसको डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूजेस द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी। द मटेरियल इंड्यूसेस वोल्टेज व्हेन द प्रेशर और स्ट्रेस अप्लाइड टू इट। द मटेरियल व्हिच शोज सच प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलेक्ट्रोरेजिस्टिव एलिमेंट। तो इस तरह का कौन सा मटेरियल है, अगर हम नेचुरल इस तरह का मटेरियल देखें तो क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाए कि भाई नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कौन सा है, तो हम लिखेंगे क्वार्ट्ज। लेकिन कुछ हम सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स भी होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं, जिनमें सेल्फ में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि रोसेले सॉल्ट्स, अमोनियम डिहाइड्रेशन, फॉस्फेट, लिथियम सल्फेट, डाईपोटेशियम टार्ट्रेट एटसेट्रा। ये मैन मेड क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें की पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्रिएट की जाती है। द सेरेमिक मटेरियल्स हैं वो डज नॉट हैव द पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड ऑन इट बाय द स्पेशल पोलराइजिंग ट्रीटमेंट। हम स्पेशल ट्रीटमेंट करके जो हमारे सेरेमिक मटेरियल्स हैं उनमें इस तरह के वो क्रिएट करते हैं कि वो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। द मटेरियल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग एट लो वोल्टेजेस। जो हमारा सेरेमिक मटेरियल लो वोल्टेज पर वर्क कर सकता है, एंड इट कैन ऑपरेट एट द टेम्परेचर मोर देन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी कि हमारे ज़्यादा टेम्परेचर पर भी डिवाइस अगर वर्क कर पा रहा है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क नहीं करते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो द EMF डेवलप बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेज। मेन क्वेश्चन होता है कि भाई क्यों हमारा इस तरह का EMF डेवलप होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, when we apply the force on the piezoelectric transducer then charge will be displaced। इसके अंदर जो charge particles होंगे वो displaced होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, due to which the voltage is generated। तो जब तक charge में displacement नहीं होगा तो voltage है वो generate नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि EMF develops because of the displacement of the charges, the effect is changeable if varying potential applies to a piezoelectric transducer। मतलब अगर हम उस पर, इसमें सेकंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ट्रांसड्यूसर में, ये हमारा इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह भी वर्क करता है। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि फिजिकल वेरिएबल है तो उसको ये आउटपुट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से जब हम इसके अक्रॉस, दो सरफेसेस के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देंगे तो इसकी शेप में डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसमें एज इनवर्स ट्रांसड्यूसर वर्क करने लग जाता है कि हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया और आउटपुट में हमें फिजिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफॉर्मेशन है, शेप में मिल गया।
तो हम कह सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इस तरह का कौन सा ट्रांसड्यूसर है जो हमारा ट्रांसड्यूसर इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, तो हम उसमें पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का नाम लेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में जो होती हैं, द पीजो इलेक्ट्रिक मेटेरियल हैज हाई स्टेबिलिटी, मतलब काफ़ी स्टेबल होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मेटेरियल, थोड़े से ही वेरिएशंस पर टेम्परेचर में फोर्स वगैरह में अनस्टेबल नहीं होते। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस सेफ एंड साइज, बहुत सारी सेफ साइज में जिनको कि हम डिफरेंट प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं अवेलेबल होते हैं। और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैज आउटपुट दैट इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हम अगर टेम्परेचर बढ़ता है ह्यूमिडिटी बढ़ती है क्योंकि वेरिएशन सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो अगर इसकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज में भी ज़्यादा चेंज नहीं होता ये उनके लिए इनसेंसिटिव होता है, दैट इज द रीजन इट इज यूजफुल। तो सम यूज ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के हम इनको कहाँ पर यूज करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मेटीरियल हैज हाई स्टेबिलिटी एंड हैंस इट इज यूज टू स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर वो होते हैं जो हमारी अपना आप ही डिफरेंट टाइप की वेव्स को जनरेट करते हैं, तो उनके आउटपुट को स्टेबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं इनका। आपसे अगर कुछ एप्लीकेशंस भी आप इसमें लिख सकते हैं, इसी तरह से अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स जहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं थ्रू द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, और देट आर यूज्ड इन द सोनार फॉर अंडर डिटेक्शन एंड इन इंडस्ट्रियल एपरेटस फॉर क्लीनिंग। सोनार जो वाटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, और इंडस्ट्रियल एपरेटस जो होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। देन माइक्रोफोन और स्पीकर्स में इसका यूज होता है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है और जो साउंड सिग्नल है इट इज़ यूज इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू साउंड में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक लाइटर्स होते हैं, वहाँ पर यूज होता है। तो ट्रांसड्यूसर हैज लो आउटपुट एंड हैंस एक्सटर्नल सर्किट इज एसोसिएटेड विद इट। इट मीन्स कि जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, तो जहाँ पर भी हमको कम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और हम अगर उसे किसी सर्किट में फर्दर उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं आगे ले जा रहे हैं, तो वो दैट इज ए नॉट यूजफुल, क्योंकि वो सिग्नल हमारा नॉइजी सिग्नल बन जाएगा। तो हमको उसके साथ कुछ एम्पलीफायर वगैरह लगाने पड़ेंगे जिससे कि जैसे हमारा मिली वोल्ट में सिग्नल आ रहा है और 1 वोल्ट में हमारे 1000 मिली वोल्ट होते हैं, तो उस मिली वोल्ट सिग्नल को आगे प्रोसेस करने के लिए हमको एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू कि हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाए और उसको फर्दर यूज कर पाए। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, अब हमने भी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में देखा, नाउ वी आर सीइंग अबाउट द स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर जो कि एक सेंसर होता है, यह भी हमारा वेरी करता है इसका रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन इट। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन द स्ट्रेन गेज इट्स रेजिस्टेंस विल बी चेंज। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स प्रेशर टेंशन वेट एट्सेट्रा, लाइक द जो हमारी वेट मशीन्स होती हैं बेबी वेइंग मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें हम इस स्ट्रेन गेज को यूज कर सकते हैं। फोर्स को प्रेशर को टेंशन को कहीं पर भी हमको मेजर करना है तो वहाँ पर हम स्ट्रेन गेज को यूज करते हैं। स्ट्रेन गेज के बारे में आप पढ़ते भी हो ऑलरेडी अपनी ब्रांच में सिविल में, बाकी इसमें जैसे कि दिखाया हुआ है कि स्ट्रेन गेज में जो रेजिस्टेंस वायर होता है वो हमारे एक बेस पर हम इसको इस तरह से ग्रिड पैटर्न में पुट कर देते हैं किसी एडेसिव की हेल्प से, क्योंकि अगर हम इसको ग्रिड पैटर्न में नहीं करेंगे क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड होगा अगर ये हमने छोटे से एरिया में इसको पुट कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस जो फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है वो पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं होगा और हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें ये सेंस नहीं कर पाएगा इस स्ट्रेन गेज की कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। तो दैट इज द रीजन कि स्ट्रेन गेज में जो हमारा इसको हम इस तरह से जिगजैग पैटर्न में यहाँ पर सेट कर देते हैं जिससे कि हमारा मैक्सिमम जो हम फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम
डिटेक्ट कर पाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चेंज बता पाए कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है। इसको हम ब्रिज की फॉर्म में, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में हम देखेंगे भाई हम इसको किस तरह से यूज करेंगे किसी वेट मेजरमेंट में और कहीं पर भी, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ गेज हो गया। तो इसको अगर हमको कहीं पर यूज करना है तो इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ गेज ब्रिज सर्किट में हम यूज कर सकते हैं इसको, कि जहाँ पर कि हमारा जैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप पढ़ चुके हो, इसकी जो आर्म्स हैं लाइक द R1, R2, R3 और अगर यहाँ R4, तो R3, R4 अगर बराबर होते, R1, R2 बराबर होते तो ये क्या होता, हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता और वोल्टेज हमारा है वो जीरो डिफ्लेक्शन आता। यहाँ पर हमने एक बैटरी यूज कर रखी है, लेकिन हमने क्या किया, एक आर्म में स्ट्रेन गेज लगा दिया। सपोज कि इनिशियल कंडीशन में, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमने यह स्ट्रेन गेज लगा दिया, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उस फोर्स की वजह से ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो इस आर्म में लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से हमारा जो ब्रिज लगा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट विल बी अनबैलेंस, जो कि शुरू में बैलेंस कंडीशन में था, अनबैलेंस कंडीशन में वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है, और वो डिफ्लेक्शन जो आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस स्ट्रेन गेज। इस वोल्टेज को हम यूज करके इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं उस टर्म्स में जिसको कि हम मेजर करना चाहते हैं, फोर्स और प्रेशर की टर्म्स में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमको कहीं पर भी फोर्स, वेट, प्रेशर वगैरह मेजर करना हो। तो डिफरेंट टाइप के हमारे स्ट्रेन गेज होते हैं, डिफरेंट शेप साइज के होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रेन गेज के बारे में ही स्टडी किया है, कि स्ट्रेन गेज के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज़ द यूनिट डिफॉर्मेशन इन लेंथ, स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रेन गेज का किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशन किस तरह का होता है, एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये किस तरह से यूज होता है, ये आप इजीली बता सकते हो। तो आपसे जो एग्जाम्स में आपने अभी तक स्टडी किया, जैसा कि हमने ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, उनका डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर जैसा कि LVDT के बारे में मैंने बताया था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देन वी हैव स्टडी अबाउट द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स के बारे में देखा, अभी हम स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स के बारे में देख रहे हैं। तो आपसे कोई भी दो तीन ट्रांसड्यूसर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम रिमेनिंग ट्रांसड्यूसर्स लाइक द टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के बारे में देखेंगे, और प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, फ्लो ट्रांसड्यूसर्स है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको नोट्स का PDF भेज ही रहा हूँ, आई थिंक कि आप इनसे आराम से इससे नोट्स बनाइए और आपको बेसिक इसका आइडिया लग ही गया है, तो इस तरह से आप इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।